आप सभी को प्रणाम। आलोक मेरा नाम, और आप तक अच्छी जानकारी पहुंचाना है मेरा काम। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं दिल्ली वासियों को कि वो अपनी 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां बेच सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो दिल्ली में की बात करता हूं, तो यहां पे 10 ईयर गाड़ी जो है, 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी आप री रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन की बात छोड़ दीजिए, उसको आप चला भी नहीं सकते हो। अगर आप दोस्तों किसी अदर स्टेट के हैं या फिर दिल्ली के हैं, तो आप 10-15 साल पुरानी व्हीकल आप चलाते भी हो, तो आप तक आप भारी पेनल्टी भरने के लिए तैयार हो जाइए। वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे स्ट्रिक्ट नियम लग चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में स्मोग और पोल्यूशन का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्तर से ज़्यादा पहुँच चुका है। तो इसके मद्देनज़र तो वहाँ पे जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने दोस्तों फैसला किया है कि वो 10 से 15 साल पुरानी व्हीकल उसमें चलने ही नहीं देंगे। रजिस्ट्रेशन फिटनेस कुछ भी इशू नहीं कर रहे हैं, तो आप पहले से जानते हो। उसमें ये खबर अब दोस्तों वहाँ पे निकल के आ रही थी कि वहाँ पे 10 से 15 साल पुराने वाहन जो हैं, जिनके पास वो कबाड़ हो चुके हैं, तो वो लोग करें क्या उन वाहनों का। तो इसमें ये जो नई खबर निकल के आ रही है, यहाँ पे जो RTO ऑफिस से बहुत सारे लोगों ने गुहार लगाई कि हमारे पास 10 से 15 साल पुराने वाहन हैं, 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन रजिस्ट्रेशन और चलाना दिल्ली में बंद हो चुका है। तो जिनके पास ये व्हीकल्स हैं वो करें क्या इसका, ना तो वो कहीं बेच सकते थे, ना तो उसको कोई ख़रीदार मिल रहा था। तो वहाँ पे दिल्ली RTO ऑफिस में जो हेड ऑफिस है उसका, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गुहार लगा करके पूछा कि हम इन वाहनों का करें क्या। तो दिल्ली वहाँ पे RTO ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज अंडर में है काम करते हैं, उसमें दोस्तों नई विज्ञप्ति जारी की है, और वो तो अपने उन्होंने बोल दिया है कि 10 से 15 साल पुराने व्हीकल्स जो हैं, आप कुछ गिने चुने वहाँ पे राज्य हैं, लगभग 7 से 8 राज्य की वहाँ पे नई वहाँ पे लिस्ट आई है, उन राज्यों में आप वाहन बेच सकते हो। ये खुशखबरी निकल के आई है दिल्ली वासियों को कि आप 10 से 15 साल पुराने वाहन अपने बेच सकते हैं इन स्टेट में गिने चुने। वो स्टेट क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उन स्टेट में आप ये अपने वाहन बेच सकते हो। तो मैं उनकी अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो हैं वो राजस्थान की मैं पहले बात करता हूँ। राजस्थान में कुछ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है, सभी डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखिएगा कि नहीं वहाँ पे अलाउ हैं, वहाँ पे सभी स्टेट में जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट और उनके कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट ही हैं, तो ध्यान में रखिए। राजस्थान के वहाँ पे 10 से 15 ज़िले में आप वहाँ पे ये व्हीकल्स को बेच सकते हो। सभी ज़िले नहीं हैं, ज़िले के नाम जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, आप स्क्रीन पर भी दिखा दूँगा। तो वहाँ पे राजस्थान में आप व्हीकल्स को बेच सकते हो, हिमाचल प्रदेश में आप बेच सकते हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी स्टैंड पूरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं दिल्ली के 10 से 15 साल पुराने वाहन लूँगा, लेकिन किन किन डिस्ट्रिक्ट में ये अलाउ किया है अभी उसके ऊपर नहीं आया है, लेकिन हाँ हिमाचल में आप बेच सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करें बिहार की, तो बिहार में केवल 18 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर आप दिल्ली की गाड़ियाँ जो 10 से 15 साल पुराने वाहन हैं वो खरीद सकते हैं खरीददार बिहार के इन 18 ज़िलों के, और वहाँ पे दिल्ली के लोग इन 18 ज़िलों में ही दोस्तों अपनी गाड़ियों को बेच सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर ये है कि आप महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में दोस्तों दिल्ली की 10 से 15 साल पुराने व्हीकल की सभी वहाँ पे ज़िलों में अलाउ कर दिया है महाराष्ट्र स्टेट ने, किसी भी ज़िले में आप वहाँ पे दिल्ली की गाड़ियाँ 10 से 15 साल जो पुराने वाहन हैं उसको बेच सकते हो। फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो यहाँ पे खबर निकल के आ रही है वो ये है कि 33 ज़िले ऐसे हैं 33 जिसमें दोस्तों आप वहाँ पे दिल्ली की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, और दिल्ली वाले इन 33 ज़िलों में अपनी गाड़ियाँ बेच सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में दोस्तों BS4 इंजन को लेकर दोस्तों कोलकाता और सभी ज़िलों में, और अगर आप BS3 गाड़ियाँ बेचते हो तो कोलकाता को छोड़कर बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में आप गाड़ियाँ बेच सकते हैं दिल्ली के लोग। और उसके बाद दोस्तों बात करें मेघालय की, तो मेघालय में दोस्तों मेघालय स्टेट ने दोस्तों ये विज्ञप्ति जारी करके बता दिया है कि हम दिल्ली की गाड़ियाँ लेंगे, और यहाँ मेघालय के लोग दोस्तों दिल्ली की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, दिल्ली के लोग मेघालय में अपनी सभी ज़िलों में गाड़ियाँ 10 से 15 साल पुराने वाहन बेच सकते हैं। तो उन सभी राज्य में दिल्ली की गाड़ियां बिकेंगी, दिल्ली परिवहन विभाग ने NOC देगी। जिन स्टेट के, जिन डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों मैंने आपको बताया इन स्टेट में यहाँ दिल्ली गाड़ियां अगर बेची जाती हैं, तो इसके लिए NOC जो है वो दिल्ली सरकार इशू कर देगी। इसके अलावा आप कभी बेचते हो तो दिल्ली सरकार NOC आपको नहीं देगी। गौरतलब है यहाँ पर कि दिल्ली में दोस्तों 10 से 15 साल पुराने वाहन रजिस्ट्रेशन तो दूर, यहाँ पर आप चलाना भी उसको मना है और बंद कर दिया है। तो इससे जुड़ी जो नई खबर आ रही थी मैंने आपको बता दी इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी नई वीडियो डेली चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो प्लीज़ आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर दोस्तों मैं आपका पर्सनली इंडिविजुअल जवाब देता हूँ। @IAMLavTiwari एंड @TechnicalAlokji दोनों जो हैंडल हैं इंस्टाग्राम के,
वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाए, मुझे फॉलो करें, मुझसे आप कुछ भी पूछ भी सकते हैं। तो आप मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।